Welcome to the Else King. In this video, we will going to talk about on a first cue card, that is a describe something that you did with someone or a group of friends or people. तो इस वीडियो में मैं आपको ये cue card एक impressive way में describe कर दिखाऊंगा. और जो इसका main idea होने वाला है वो एक park के ऊपर होने वाला है कि मैं अपने friends के साथ park में गया और park की सफाई वगैरह की, उसको renovate किया और उसको अच्छा बनाया और कितना time हमने काम किया वो सारा कुछ इसमें describe करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. और एक बात और, जो हमारे क्यू कार्ड्स और फॉलोअप्स हैं इनमें 4 पैरामीटर्स का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है और इनमें वाइड रेंज ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है. इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है. अगर आपको अच्छे बैंड्स चाहिए तो आपको सिंपल लैंग्वेज को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्यू कार्ड को दोबारा पढ़ेंगे और उसके बुलेट पॉइंट्स को भी. डिस्क्राइब समथिंग दैट यू डिड विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ फ्रेंड. कि आपने कोई ऐसा काम बताना है जो आपने किसी के साथ किया हो, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ किया हो या किसी भी लोगों के साथ किया हो. जो पहला बुलेट पॉइंट है वो है व्हाट इट वाज, कि वो क्या था. हु यू डिड इट विद, कि आपने ये काम किसके साथ किया. और नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इट टुक टू यू टू डू दिस, कि आपको कितना समय लगा इसको करने में. और नेक्स्ट है एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डिड इट टुगेदर, कि आपने क्यों किया साथ में. तो हम स्टार्ट करते हैं. रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट विद अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स. कुछ ही समय पहले मुझे अपने दोस्तों के साथ मौका मिला कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करने का. कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि कोई सेवा वगैरह करना फ्री ऑफ कॉस्ट. द प्रोजेक्ट इंटेल्ड क्लीनिंग एंड ब्यूटीफाइंग अ लोकल पार्क इन आर कम्युनिटी. जो ये प्रोजेक्ट था, इसका जो मकसद था वो हमारे पार्क को क्लीन करना और उसको सुंदर बनाना था. वी स्पेंट अ टोटल ऑफ 4 आवर्स वर्किंग टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट. हमने 4 घंटे वहाँ पर काम किया. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनी डे एंड वी ऑल अराइव्ड एट द पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग रेडी टू गेट टू वर्क. जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था, धूप वगैरह निकली हुई थी और हम सारे फ्रेंड्स पार्क में मॉर्निंग टाइम वहाँ पर चले गए काम करने के लिए. हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेकर गए, जैसे कि ग्लव्स, ट्रैश बैग्स, वेरियस टूल्स, जैसे कि कहीं खुरपा, बाल्टी वगैरह और झाड़ू वगैरह. वेरियस टूल्स में ये सारे आ जाते हैं जो हमारी काम में हाथ बटा सकें. द पार्क वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर एंड वॉज इन अ नीड ऑफ सम अटेंशन. जो पार्क था उसे ठीक करने की ज़रूरत थी और उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत थी. वी वर्कड टुगेदर टू पिकअप ट्रैश, क्लियर ओवरग्रोन फॉलेज एंड रीपेंट सम ऑफ द पार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम सभी ने मिलकर कूड़े को इकट्ठा किया और जो बड़ी हुई ग्रास थी उसको काटा और उसको क्लियर किया. और जो भी पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट टेबल्स हो सकते हैं, स्विंग्स हो सकते हैं, उसको रीपेंट किया. इट वॉज हार्ड वर्क बट वी वर ऑल मोटिवेटेड बाई द नॉलेज दैट वी वर मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आर कम्युनिटी. जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा औखा था बट हम इस नॉलेज के साथ मोटिवेटेड थे कि हम एक अच्छा इम्पैक्ट बनेंगे हमारी कम्युनिटी के ऊपर. वी डिड दिस टुगेदर बिकॉज वी ऑल बिलीव्ड इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग बैक टू आर कम्युनिटी एंड मेकिंग इट अ बेटर प्लेस फॉर एवरी वन. हमने ये इकट्ठे होकर इसीलिए किया क्योंकि हमें अपने सोसाइटी की इम्पॉर्टेंस का पता है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है उनके लिए कुछ करना और इस जगह को एक अच्छी प्लेस बनाना रहने के लिए. वी ऑल्सो वॉन्टेड टू सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड इंस्पायर देम टू टेक एक्शन इन देयर ओन कम्युनिटीज़. हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे और इंस्पायर करना चाहते थे कि हमें देखकर और कम्युनिटी वाले, मतलब सोसाइटी वाले या और मोहल्ले वाले अपने मोहल्लों की सफाई रखें और उसको अच्छा बनाकर रखें. जो फीलिंग थी साथ काम करने की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो हमने टीम वर्क किया और इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव मिले जो भी हमने एफर्ट्स लगाए थे. ओवरऑल इट वॉज अ फुलफिलिंग एंड रिवार्डिंग एक्सपीरियंस दैट आई विल नेवर फॉरगेट. Not only did we achieve our goals of cleaning and beautifying the park, but we also strengthened our bonds as a friends and made a meaningful contribution to our community. जो हमने काम किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और जो हमें फील हुआ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हम कभी भी नहीं भूल सकते. हमने अकेला अपना जो गोल था पार्क को क्लीन करने का और उसको सुंदर बनाने का वही अचीव नहीं किया, हमने अपने जो बॉन्ड्स थे अपने फ्रेंड्स के साथ और कम्युनिटी के साथ वो भी स्ट्रॉन्ग किए और हमने अपनी कम्युनिटी में एक कंट्रीब्यूट किया जो कि एक मीनिंगफुल था. तो दैट्स इट. तो ये क्यू कार्ड था, होप सो आपको पसंद आया होगा. अब हम देखते हैं फॉलोअप्स को
तो जो फर्स्ट फॉलोअप है वो है हाउ डू नेबर्स हेल्प ईच अदर। हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, हमने कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी। तो जो इसका आंसर है वो ऐसे हो सकता है, नेबर्स कैन हेल्प ईच अदर इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज बाय लैंडिंग टूल्स, ऑफरिंग टू वॉच ईच अदर्स पेट्स एंड चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग एमरजेंसीज एंड सिंपली बींग अ फ्रेंडली एंड सपोर्टिव प्रेजेंस इन द कम्युनिटी। जो नेबर्स होते हैं वो बहुत ही तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है लैंडिंग टूल्स, जैसे कि मोटरसाइकिल और कार वगैरह हम अपने गवंडियों को दे देते हैं वैसे। और जो सेकंड है ऑफरिंग टू वॉच ईच अदर्स पेट्स और चिल्ड्रन, ये मेनली पिंडों में होता है जिनके घर में पशु वगैरह रखे होते हैं। जब घर वाले बाहर चले जाते हैं और घर में कोई नहीं होता तो वो अपने गवंडियों को कह देते हैं कि हमारे पशुओं पर नज़र रखना। जिनके घर में बच्चे होते हैं और घर वाले बाहर गए होते हैं और लेट हो जाते हैं तो वो अपने गवंडियों को फ़ोन कर देते हैं कि बच्चे घर में आएंगे, उनका ध्यान रखना, उनको चाय वगैरह दे देना। और जो थर्ड है वो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग एमरजेंसीज, दुख तकलीफ में सहायता करना अपने गवंडियों की। लाइक जब कोई गवंडी वगैरह हमारा बीमार हो जाता है और घर में कोई बड़ा नहीं होता तो हम उनकी मदद कर सकते हैं हॉस्पिटल ले जाने की या दवाई वगैरह उनको लाने में। और जो लास्ट है वो है सिंपली बीइंग अ फ्रेंडली और अ सपोर्टिव प्रेजेंस इन द कम्युनिटी, सिंपली अच्छे तरीके से रहना उनके साथ और उनको सपोर्ट करना अगर वो काम कोई कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वे पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो तब भी मुझे बता देना और मुझे ये भी बता देना मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको और फॉलोअप्स पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, जो मेरे सारे क्यू कार्ड्स हैं और फॉलोअप्स हैं और इंट्रो क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, अगर आप चाहते हो उसको बाय करना तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उसको बाय कर सकते हो, एक बार ज़रूर विजिट करना। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेकेंड क्यू कार्ड के ऊपर होगी, जब वो अवेलेबल हो जाएगी तो वो आपको राइट साइड दिख जाएगी तो उसको क्लिक कर आप देख सकते हो। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।